आज हम लोग है मध्य प्रदेश की धार जिले के अंतर्गत प्राचीन शहर मांडव या मांडू में। धार शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर विंध्याचल पर्वत मलाओं के ऊपर लगभग 13 किलोमीटर की लंबाई से फैला हुआ है यह शहर। आज ये जगह एक पर्यटन स्थल के हिसाब से प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों की संख्या में सैलानी दर्शनीय स्थलों जैसे कि रूपमती महल, जहाज महल, हिंडोला महल, शाही इमाम आदि भारतीय वास्तुकलाओं के साथ साथ अफगानी वास्तुकलाओं के भी निदर्शन रह चुका है। इस शहर की नजदीकी रेलवे स्टेशन है इंदौर, और इंदौर शहर से मांडू 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इंदौर से मांडू के लिए बसें मिलती है और धार से यहाँ तक बसें काफी फ्रीक्वेंट है, और इंदौर से धार की कनेक्टिविटी भी बहुत ही बढ़िया है। 2018 में मांडू को सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक शहर के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 6वीं सदी में चंद्र सिंह नाम के एक व्यापारी मांडपा दुर्गा में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना की है, और मांडपा दुर्गा से धीरे धीरे नाम बदलते हुए इस जगह का नाम पड़ा मांडव। 10वीं और 11वीं सदी में मांडू को परमारों के शासन काल में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ये जगह उस जमाने में परमार राजाओं की राजधानी हुई करती थी। साल 1305 में दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी मालवा साम्राज्य को दखल किया, तब इस जगह का नाम रखा गया शादियाबाद, जिसका मतलब है खुशियों का शहर। मांडू में ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा हम लोग हमारी मध्य प्रदेश सीरीज में पिछली वीडियो में ही शुरू किए थे, जहां हम लोग गए रानी रूपमती महल और बास बहादुर महल। और मांडू की इस वीडियो में जहां हम लोग अब जाने वाले हैं, वो है यहां की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशनों में से एक, जिसका नाम है जहाज महल। जहाज महल मांडू में पर्यटकों के लिए सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन रह चुका है, इसीलिए यहां आने वाले हर कोई पर्यटक इस जगह का दर्शन करने जरूर आते हैं। और इसके चलते जहाज महल के सामने बैठने की जगह और खाने की जगहों का भरमार देखने को मिलता है। इस इमारत की दोनों तरफ दो झीले है। ये दो झीले कृत्रिम प्रक्रिया से बनाए गए हैं। दोनों झीलों के बीच में बनने के कारण इस इमारत को देख के ऐसा लगता है ये पानी में तैर रहा है, और इस महल के बनावटी ढांचे में भी जहाज का रूप दर्शाता है, और इन्हीं सब कारणों के लिए इस इमारत को जहाज महल बोला जाता है। 1469 के बाद मांडू का सुल्तान घयासुद्दीन खिलजी ने ये जहाज महल का निर्माण करवाया, और इसका इस्तेमाल हारेम के तौर पर किया जाता था। सही मायने में देखा जाए चारों ओर की सौंदर्य को मिला के यह जगह वाकई बहुत ही सुंदर है। सिर्फ ऐतिहासिक महत्व ही नहीं, आज भी मांडू में कई सारी त्योहारें और उत्सवों का पालन इस जहाज महल में किया जाता है।
मांडू में अफगानी वास्तुकलाओं का और एक निदर्शन है, जामी मस्जिद। सीरिया की राजधानी दमस्कस में बना उमैयद मस्जिद के ढांचे में बनाया गया है ये जामी मस्जिद। मांडू में ये एक बहुत ही बड़ी इमारत है और सालों से ये इमारत पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण रह चुका है। इस विशाल मस्जिद का निर्माण मांडव के सुल्तान होसंग सा मोरी ने आरंभ किया और सन 1454 में सुल्तान महमूद सा खिलजी ने इसके निर्माण कार्य को संपन्न किया। भारत की बड़ी बड़ी मस्जिदों में मांडव की जामी मस्जिद का जिक्र होता है। इस मस्जिद की चारों ओर काफी सारे गम्बुजों से भरा हुआ है और मस्जिद के अंदरूनी भाग में गम्बुजों के ऊपर किए गए चित्रकलाओं को देख के हर कोई पर्यटक चकित रह जाता है। और इन्हीं सब चित्रकलाओं में हिंदू और मुस्लिम चित्रकलाओं के मेलबंधन पाए जाते हैं। जामी मस्जिद के पीछे की तरफ है होसंग सा के मकबरे। संगमरमर से बने इस मकबरे का निर्माण होसंग सा द्वारा प्रारंभ किया गया और सन 1440 में सुल्तान महमूद सा खिलजी द्वारा इसका निर्माण कार्य संपूर्ण किया गया। इस मकबरे में एक गम्बुज वाले द्वार मंडप से प्रवेश किया जाता है। यह मकबरा एक चतुर्कोण के केंद्र में स्थित है तथा इसके ऊपर एक विशाल गुंबद और चार कोने में चार छोटे गुंबद है। इसके अंदर के यवनिका कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमारे देश में यह मकबरा एक पवित्र स्थल के रूप में विराजमान है। ताजमहल से संबंधित उस्ताद हमीद जैसे शिल्पी सन 1658 में यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे।